नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नास्त्रदमस की एक ऐसी भविष्यवाणी जो तीसरे विश्व युद्ध की है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इसमें तीन चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, इसराइल, फ्रांस और भारत जैसे शक्तिशाली देशों के बारे में कहा गया है। उनके दावे के मुताबिक इस युद्ध की शुरुआत चीन करेगा। तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी को पूरी दुनिया में लोग बड़े चाव से पढ़ रहे हैं और यह सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हो गया है। तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी दुनिया के सबसे मशहूर और महान जाने माने भविष्यवक्ता नास्त्रदमस ने की है, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार, हिटलर और कैनेडी पर डायना की मौत के साथ की भविष्यवाणी की थी, जो कि सही साबित हुई है। नास्त्रदमस ने थर्ड वार की भविष्यवाणी में यह दावा किया है कि चीन भारत पर हमला करेगा और इसके साथ ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और चीन एक साथ मिलकर भारत की सीमा पर धावा बोलेंगे। भविष्यवाणी के मुताबिक चीन और पाकिस्तान की सेना गंगा के मुहाने तक जाएगी। नास्त्रदमस के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध की आखिरी लड़ाई गंगेज के किनारे पर लड़ी जाएगी, मतलब गंगा नदी के किनारे आखिरी जंग होगी। तीसरा विश्व युद्ध इतना भयानक होगा कि समुद्र में खून और लाशें तैरते दिखाई देगी। नास्त्रदमस का मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध नास्तिकों और आस्तिकों के बीच में होगा। दावा कि यह किया जा रहा है कि नास्तिकों की सेना का लीडर चीन होगा, क्योंकि चीन न तो किसी भगवान को मानता है, नहीं किसी धर्म को। नास्त्रदमस ने बताया है कि भारत, फ्रांस, जॉर्डन आज़ाद कराए जाएंगे। निर्दयी शक्तियों का सदूर पूर्व में विनाश हो जाएगा। गंगा, जॉर्डन, फ्रांस और स्पेन को हड़पने वाले साम्राज्य का खात्मा हो जाएगा। गंगा हड़पने वाला देश यानी चीन तीसरे विश्व युद्ध में हार जाएगा। और सोशल मीडिया पर तो यह भी दावा किया जा रहा है कि नास्त्रदमस के मुताबिक थर्ड वर्ल्ड वार 2012 से 2025 के बीच होगी। तो क्या थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत होने वाली है? इसके लिए इंतजार करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको अपडेट मिलती रहेगी।